अरे मैडम बहुत हो गया तुम्हारा, तुमने जिनको बर्बाद करना था कर दिया, अब और नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा। मेरा बस चले ना, तुम जैसी लड़कियों को जान से मार दूं। बहुत घमंड है ना तुझे लड़की होने का। और हाँ, हर लड़का ना थप्पड़ खाने के लिए नहीं होता, कुछ लड़के थप्पड़ खिलाने के लिए भी होते हैं। ये लिखा सॉरी मैडम, मैंने ध्यान नहीं दिया। तू ध्यान क्यों देगा, लड़की देखी नहीं टकराने आ गया। अरे मैडम ऐसा नहीं है, और आप ही फोन चलाती हुई आ रही थी, आपकी गलती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी गलती मानी। तू मुझसे जुबान लड़ाएगा, तेरी औकात क्या है? और तुझे पता नहीं है लड़कियों की आजकल कितनी चलती है? अभी एक वीडियो बना के मैंने तेरी सोशल मीडिया पे डाल दी ना, तो पता लग जाएगा लड़कियों की पावर क्या है। मैडम ऐसा कैसा झूठी वीडियो बना के डाल दोगी, और आपकी बात कौन मानेगा, क्योंकि आप तो झूठ बोल रही हो। हाँ मुझे पता है, तुझे पता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर वीडियो देखने वाले को नहीं पता। मैडम मैं गरीब हूँ, लेकिन हमारी भी इज्जत है, आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। माय फुट तेरी इज्जत, अब तुझे बदतमीजी करने की सजा तो मिलेगी। रुक अभी तेरी वीडियो बनाती हूँ। गाइस देखो ये लड़का है, ये लड़का बदतमीजी कर रहा है मुझसे, और दिन दहाड़े ये लड़कियों को छेड़ता है रोडों पे, उसको टकराता है और ना बदतमीजी कर रहा है और छेड़ता है, उसको गालियां गलौज करता है और कहता है आजा मेरी रानी, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। ये बदतमीजी कर रहा है, और प्लीज मुझे इंसाफ दिलाओ, ये लड़का बहुत बदतमीजी है, ये दिन दहाड़े आज मुझे छेड़ रहा है, कल आपकी बहन बेटियों को छेड़ेगा, किस किस को छेड़ेगा। प्लीज इस लड़के को सजा मिलनी चाहिए, और प्लीज मुझे इंसाफ दिलाओ। ये आवाज मेरी, तू चुप रह, तू सबको छेड़ रहा है ना, तुझे भी पता लगेगी। प्लीज मुझे इंसाफ दिलाओ, ये लड़का बहुत बदतमीजी कर रहा है। प्लीज इसकी वीडियो इतनी वायरल करो कि सब लड़कियों को पता लगे कि जहाँ पे भी ये टकरा रहा है वहाँ पता लगे कि ये क्या करता है लड़कियों के संग। मैडम मत करो ऐसा, प्लीज मैडम मत करो ऐसा, झूठ क्यों बोल रही हो मैडम, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा मैडम, प्लीज मैडम मत करो प्लीज। अब तुझे पता लगेगा कि तूने किस लड़की से पंगा लिया है। हेलो सर, जिस आज से आपको काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। सर सर क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? हाँ, तू लड़की को रोड पे छेड़ता है और पूछ रहा है कोई गलती हुई है क्या, आज से काम पे आने की जरूरत नहीं है। सर सर सुनो सर, अरे भाई क्या हुआ, क्यों परेशान हो? यार क्या बताऊँ, मेरे मालिक का फ़ोन आया था, उसने मुझे नौकरी पर आने के लिए मना किया है, मतलब उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्यों, ऐसा क्या हुआ है जो तेरे मालिक ने तेरे को नौकरी से निकाल दिया, और तेरी शक्ल देख के कोई नौकरी पे नहीं रख रहा है? भाई अभी कुछ दिन पहले ना रोड पे एक लड़की से बहस हो गई थी, तो उस लड़की ने ना मेरी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दिया, और उसमें झूठ झूठ बोल दिया कि मैं लड़कियों को छेड़ता हूँ और रोड पर चलती लड़कियों को टकराता हूँ। अच्छा ये तो गलत हुआ साला, आजकल कुछ लड़कियों के ईगो के चक्कर में ना लड़कों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, और हमारी गलती है, हम लड़कियों की बातों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। भाई और कर भी क्या सकते हैं, पुलिस और प्रशासन इन लड़कियों की बात सुनता है, हमारी कोई नहीं सुनता। और कुछ लड़कियों के चक्कर में ना सब लड़कियाँ बदनाम हो रही है, और तू टेंशन मत ले, मैं तेरी नौकरी ढूंढता हूँ कहीं। शिवम भाई मुझे जल्दी नौकरी चाहिए, तुझे तो पता ही है कि पापा बीमार हैं और पूरे घर का खर्चा सब मैं ही उठाता हूँ। चल मैं चलता हूँ, जैसी नौकरी का पता चलेगा मैं तुझे बता दूंगा। चल ठीक है भाई, ठीक है। अरे क्या बात है, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत छा रहे हो। हाँ यार, उस गरीब बदतमीज को सबक सिखाना जरूरी था। रजत सही किया तुमने, ऐसे लड़कों को सबक सिखाना जरूरी है जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते और राह चलती लड़कियों को छेड़ते हैं। हाँ यार, इसीलिए तो उसको सबक सिखाया, आगे से किसी लड़की से बहस करने से पहले 100 बार सोचेगा। हाँ यार। हाँ उसने मुझसे पंगा लिया ना, अब उसको पता लग रहा होगा। वैसे क्या बात हुई थी मुझे तो बताओ। हाँ यार, मैं फोन चलाती हुई जा रही थी, आके टकरा गया, मुझसे बहस करने लगा, बस मैंने उसकी झूठी वीडियो बना दी और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। मतलब वो वीडियो तुमने झूठी बनाई है? यार ये बहुत गलत है, शायद तुमको नहीं पता तुमने कितनी बड़ी गलती करी है, लोग गालियां दे रहे हैं उसे सोशल मीडिया पे और उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, इसी लायक है वो गरीब भिखारी,
यार उस पे और उसके घर वालों पे क्या बीतरी होगी इतनी बेइज्जती के बाद। तुमने तो बदला लेने के लिए झूठी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। यार अब तुम फालतू की बात मत करो। यार कुसुम मुझे पता है तुम गुस्से वाली हो, पर मुझे ये नहीं पता था तुम गुस्से में किसी की जिंदगी खराब कर दोगी। मैंने कोई जिंदगी खराब नहीं की है। तुम उसकी वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट करोगी और उसे सॉरी बोलोगी, वरना आज से हम दोनों अलग अलग। इतना भी क्या ईगो रखना कि किसी का घर परिवार बर्बाद होता है। नहीं मैं नहीं बोलूंगी यार उसे सॉरी, तुम्हें अलग रहना तो रहो, बाय। अबे अंधे की औलाद आंख क्या घर रख क्या है। अरे मैडम सॉरी। सॉरी बोल दो और हो गया। अरे मैडम वैसे भी गलती आपकी है, लेकिन मैंने फिर भी सॉरी बोला क्योंकि आप लड़की हो। अबे सॉरी बोलो तो एहसान करा क्या, नहीं बोलो तो पिटता भी तू। ऐसे कैसे पिटता मैडम। तुझे पता नहीं लड़कियों की पावर का, एक लड़के की जिंदगी खराब कर चुकी हूँ वीडियो बना के, तेरी भी वीडियो बना के तेरी भी जिंदगी खराब कर दूंगी। अच्छा तो वो आपने उसकी झूठी वीडियो बनाई थी, आपको शर्म नहीं आती किसी की जिंदगी खराब करते हुए। मैडम आप लड़के होने का ना गलत फायदा उठा रहे हो। अरे मैडम बहुत हो गया तुम्हारा, तुमने जिनको बर्बाद करना था कर दिया, अब और नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा। मेरा बस चले ना, तुम जैसी लड़कियों को जान से मार दूं। और तूने जो इसके साथ किया है ना वो इस फोन में सब रिकॉर्ड हो गया है, और ये भी रिकॉर्ड हुआ है तूने इससे पहले वाले बंदे की जो झूठी वीडियो बना के फंसाया है ना, उसकी गलती नहीं थी। अब ये तेरी असली वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा, तब तुझे पता चलेगी बेइज्जती क्या होती है। बहुत घमंड है ना तुझे लड़की होने का, और तुझे हर लड़का गलत दिखता है, पर हर लड़का गलत नहीं होता, कुछ तेरी जैसी लड़कियाँ भी गलत होती हैं। और हाँ हर लड़का ना थप्पड़ खाने के लिए नहीं होता, कुछ लड़के थप्पड़ खिलाने के लिए भी होते हैं, ये लिखा। सॉरी यार मेरी वीडियो अपलोड मत करना वरना लोग मुझे गालियाँ देंगे। मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगी और मैं सबको बोल दूंगी कि वो लड़का सही था, मुझसे ही गलती हुई थी। अब क्या फायदा वीडियो डिलीट करने का, तुझे पता है उस बंदे ने सुसाइड कर लिया है तेरी वीडियो के चक्कर में। उस लड़की ने ऐसा क्यों किया, मेरी तो गलती भी नहीं थी, उसकी वजह से मेरे मालिक ने मुझे काम पे से निकाल दिया। अब मैं कहीं और काम मांगने जाता हूँ तो लोग मुझे गालियाँ और मारते हैं, ऐसे मैं कब तक जीऊँगा। इससे अच्छा तो है मैं अपनी जान दे दूँ। क्या बोल रहे हो। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, वो मेरा पक्का दोस्त था और अपने घर का इकलौता लड़का था, पर तूने अपनी ईगो के चक्कर में ना उसकी जान ले ली। तब मैंने ये प्लान बनाया कि तुझे तेरे तरीके से फंसाऊंगा। तुझे बहुत शौक है ना सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करने का। यार शिवम सर जैसे को ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ यार हर प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन होता है, सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। हाँ यार लेकिन वो भी क्या करता, वो भी बहुत परेशान हो गया था, वो जहाँ भी जाता था लोग उसे मारते थे गालियाँ देते थे। हाँ केशव इतनी बेइज्जती के बाद ना वो क्या, अगर कोई और भी होता ना वो भी अपने आप को मार लेता। हाँ शिवम उस लड़की ने अपने ईगो के चक्कर में ना जान तो सरजेश की ली है, लेकिन बर्बाद पूरा परिवार हो गया है, क्योंकि कमाने वाला सरजेश था बस उनके घर में। हाँ केशव बोल तो सही रहा है, हम सरजेश भाई को वापस तो ला नहीं सकते, पर हम उस लड़की की सच्चाई लोगों के सामने जरूर ला सकते हैं कि कैसे उसने सरजेश भाई की झूठी वीडियो बना के फंसाया था और अपलोड कर दी थी सोशल मीडिया पे। हाँ शिवम बोल तो सही रहा है, पर ये सब करेगा कैसे। सुन मेरी बात को, मैं तुझे समझाता हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला, अब तो तुझे कानूनी सजा देगा। चल के सब पहले इसकी वीडियो थाने में देंगे, फिर इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, फिर इसे पता चलेगी कि सोशल मीडिया की पावर क्या होती है।